और इनका मास हमें गिवन है कि इसका मास क्या होगा बुलेट का और वो दोनों किस गिवन है, है. तो इनिशियल सिचुएशन तो को देखे जबकि बुलेट राइफल के अंदर ही है जिसका मास है सिक्सटी ग्राम इस बुलेट का मास क्या है सिक्सटी ग्राम और ये अभी क्या है राइफल के अंदर ही है तो फिर इस वाली सिचुएशन में क्या है दोनों राइफल और बुलेट ये दोनों क्या रेस्ट के अंदर है और रेस्ट के अंदर है इसका मतलब क्या हो गया इनका इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया जीरो अब हमें देखना है कि इनका फाइनल मोमेंटम क्या होगा तो फिर बाद में जब बुलेट से बुलेट राइफल में से निकल गई तो फिर वो किस स्पीड से आगे जा रही है फिफ्टी मीटर पर सेकेंड से तो ये आगे जा रही है और जो ये राइफल खुद है ये रिकॉइल हो रही है टू मीटर पर सेकेंड से मतलब ये पीछे की साइड में जा रही है टू मीटर पर सेकेंड से तो अब हमें ये बताना है कि इस राइफल का मास क्या है यहाँ पर तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके अंदर क्या है कोई बाहर से हमने कोई फोर्स लगाया नहीं है इस सिचुएशन के अंदर तो फिर इसके अंदर क्या है लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा और लीनियर मोमेंटम का कंजर्व होना हमें क्या बताता है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम होना चाहिए अब इनिशियल मोमेंटम तो यहाँ पर क्या है जीरो है और अब अगर हम फाइनल मोमेंटम को देखें तो फाइनल मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या होता है मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब फिफ्टी मीटर पर तो सेकेंड से तो इंटू फिफ्टी और राइफल क्या है रिकॉइल किस स्पीड से हो रही है 2 मीटर पर सेकंड से रिकॉइल होना मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है बुलेट के कंपेरिजन के अंदर तो हमें इसके साथ में माइनस साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बुलेट जाएगी राइफल जाएगी पीछे की साइड में तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस टू और हमें क्या है राइफल का मास पता लगाना है तो इन एम कर लेते हैं अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास एम इक्वल्स टू फिफ्टीन हंड्रेड ग्राम्स मतलब ये आ जाएगा वन पॉइंट फाइव किलोग्राम्स तो हमारा आंसर होगा वन पॉइंट फाइव किलोग्राम मतलब ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री सही थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर